تحرم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला आपको ऐसे ही खुश रखे। आज का वीडियो और आज का टॉपिक सबसे अलग है। आपको बताते चलूं कि हम्द नात नज्म या मुनाजात के रिलेटेड ये नहीं है। आज मैं आपको एक शख्स को दिखाना चाहता हूं, एक शख्स को सुनाना चाहता हूं कि आप उनको सुनना और देखने के बाद जो है आप नहीं, आपके दिल मायूस हो जाएगा। तो आप पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद फिर बात करते हैं। بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم. एक शख्स कलाम पाक की तिलावत कर रहे हैं, आपने जैसा कि वीडियो में देखा। अब ये कौन है तो आपको बताते चलूं कि ये हाफिज भी हैं, मौलाना भी हैं, कारी भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह नात ख्वां भी हैं, नात नज्म वगैरह भी पढ़ते हैं और खादिम भी हैं। तो अल्लाह ताला ने इन हजरत को इतने नामतों से नवाजा। अच्छा, अब इनकी हालत ऐसे कैसे हो गई? ये जैसे दिमागी अपने आप को भूल चुके हैं, अपने आप को भूल चुके हैं, अपनी दुनिया को भूल चुके हैं, लेकिन अल्लाह ताला के कलाम को नहीं भूले। अल्लाह ताला के कलाम को नहीं भूले। इनके ऊपर अल्लाह ताला की आजमाइश है। ये दिमागी, इनका दिमाग जो है काम नहीं कर रहा है। अपनी दुनिया को भूल चुके हैं, अपने दिमाग को भूल चुके हैं, लेकिन अल्लाह के कलाम को नहीं भूले। इनकी हालत इस वजह से ऐसी हुई है कि इनके हालात, इनके अखराजात, इनके घर की आजमाइश, इनके घर की हालातों के वजह से इन्होंने टेंशन लेके अपना दिमाग खो बैठा। तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला इन हजरत हाफिज मौलाना कारी जमील अहमद साहब को शिफा अता फरमाए और इनके अखराजात को गैब से मुहैया फरमाए और इनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। आपके वीडियो में यही बताना था मुझे कि इनको देख के दिल मायूस हो जा रहा है। कि मतलब आप ये फोटो देख सकते हैं, ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये मौलाना जमील अहमद साहब की हैं, जो आप पहले आदमी की किरास सुन चुके हैं। उनकी ये फोटो है जब ये नबी के पोशाक में थे, जब दिमागी हालत इनकी ठीक थी। तो दुआ है अल्लाह से कि अल्लाह ताला हम सबको अपना कुर्ब अदा करे और इन हजरत को, हजरत मौलाना जमील साहब को जल्द से जल्द शिफा अता फरमाए और इनकी आने वाली हर बला मुसीबत परेशानी को अल्लाह गैब से दूर फरमाए। आपको बस यही बताना था, मैं सोचा एक वीडियो बना के आपको मैसेज दे सकूँ, इनके बारे में इनका तारुफ करा जा सकूँ। तो आप सभी हजरात भी हजरत मौलाना जमील साहब के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला इनके अखराजात को गैब से मुहैया फरमाए और इनको शिफा अता फरमाए और इनकी अल्लाह ताला हर तरफ से जान की, माल की, इज्जत की, आबरू की हिफाजत फरमाए और उलमाए दीन हम सब के लिए ता कयामत तक शामिल रोजारी फरमाए। तो मेरे लिए भी दुआ करें और पूरे उम्मत मुस्लिमा के लिए भी दुआ करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
और अगर आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, आपने वीडियो देखा पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, तो आपसे गुजारिश है, दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वो सफल हुआ, आप तक पहुंचा और आपने पसंद करा, किसी के लिए नॉलेजेबल वीडियो बन गई। लाइक इसीलिए बोला जाता है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें। दुआ के दरख्वास्त है। अस्सलाम।